नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। जी हां, प्रियंका गांधी ने खाली किया लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला, जिसके बाद अब वो गुरुग्राम में शिफ्ट हो चुके हैं। बंगला खाली करते वक्त प्रियंका ने अधिकारियों को दिखाया पूरा बंगला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सब कुछ अभी से देख लीजिए, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस किए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव को ये बंगला खाली करना पड़ा। गुरुवार को बंगला खाली करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को अपने सामने एक एक चीज़ की जांच भी करवाई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए अभी देख लीजिए, मैंने जो कुछ भी यहाँ लगाया था सब कुछ छोड़कर यहीं से जा रही हूँ। इतना नहीं, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के बंगला कांड को ध्यान में रखते हुए ये काम किया। उनका व अन्य कार्यकर्ताओं का भी यही मानना है। दरअसल समाजवादी पार्टी एसपी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ में मिला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। उन पर ये भी आरोप लगे थे कि घर खाली करते वक्त उन्होंने तोड़फोड़ की और टोटी तक उखाड़ कर ले गए। इस पर अखिलेश यादव ने खूब सफाई भी दी थी। दरअसल अखिलेश के विपक्षियों ने तो उनको टोटी चोर तक कह दिया था। शायद प्रियंका गांधी ने भी ऐसा ही कुछ समझा, क्योंकि गुरुवार को उन्होंने अधिकारियों के साथ लोधी एस्टेट रेत बंगले पर पहुंच करके एक वीडियो के सामने आया, जिस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वीडियो में वो कह भी रही हैं कि जो कुछ मैंने यहाँ पर लगाया है वो सब मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। शायद प्रियंका गांधी ये क्लियर करना चाहती थी कि आप पूरा का पूरा बंगला देख लीजिए, जो सामान यहाँ था वो वैसा का वैसा पड़ा है, ताकि मेरी जाने के बाद कोई गड़बड़ ना हो। प्रियंका गांधी वाडा नई दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के बाद प्रियंका गांधी के जो सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी वो कुछ दिन गुरुग्राम में रहेंगी, जिसके बाद मध्य दिल्ली में स्थित एक आवास में वे शिफ्ट हो जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने मध्य दिल्ली में अपने रहने के लिए एक आवास तय भी कर लिया है, जिसकी रंगाई पुताई और मरम्मत का काम फिलहाल चल रहा है और जल्द ही वे वहां पर जाएंगे। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।